जय हिंद साथियों, अभी जो आप ये बजाज का फैन देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है तो हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे हम इसमें लाइट देते हैं तो यह सिर्फ गोंगों की आवाज़ देता है और प्ले नहीं होता है, और इसका जो है सो कॉइल एकदम बिल्कुल सही बता रहा है। तो आगे इसमें आज हम इसका बिना बूस्ट बदले इसको हम चलाएँगे, और कैसे बिना बूस्ट बदले इसको चलाया जाता है तो सारा कोई डिटेल जानकारी आपको हम इसमें देंगे वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, और बिना बूस्ट बदले आप भी इस तरीके से पंखे को चला सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये बजाज का है। तो चलिए आगे का प्रोसेस इसको बतलाते हैं साथियों। अभी जो आप देख रहे हैं ये बजाज कंपनी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्राटा फैन है, ये थ्री ब्लेड वाले, और ये दोस्तों थ्री स्पीड में है। आप यहाँ पे इसका जाली भी देख सकते हैं। तो साथियों ये जाम चलता है, जैसे ही लाइट देते हैं तो सिर्फ गोंगों की आवाज़ आ रहा है और ये प्ले नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी हम इसका पूरा तामझाम खोले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जाली निकाल दिए हैं, ब्लेड निकाल दिए हैं, इस तरह का ब्लेड है इसमें, और यहाँ पीछे का जाली है। और साथियों इस मोटर को हम उतारेंगे, उतारने के लिए सबसे पहले ये सभी बोर्ड को खोलेंगे। और साथियों इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब इसको खोलेंगे तो बूस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है या वाशर लग करके चल जाएगा, तो सारा कुछ समझा देंगे। जैसे कि देख रहे हैं साथियों, आपने अभी हम इसको निकाले हुए हैं, और देखिए इसका बूस्ट वैसे कटा हुआ नहीं है, काफ़ी अच्छा है दोनों का, आगे का भी। तो जाम ये पंखा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका बूस्ट का जो ऑयल है यानी कि तेल है ये पूरी तरह से सूख चुका है, और बूस्ट में काफ़ी चिपचिपाहटपन आ गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं रोटर को आपको दिखाऊँ तो ये देखिए रोटर में भी काफ़ी सा गंदगी लग चुका था आगे और पीछे दोनों तरफ, जिसके वजह से ये जो है सो फंस फंस के चढ़ रहा था। तो अब दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बूस की अच्छी तरह सफाई करेंगे आगे और पीछे दोनों का, ये आगे का भी बूस इधर का भी, इसको साफ़ करेंगे तेल डाल करके, और इसका भी ये जो सापट है इसको भी हम लोग अच्छी तरह से चिकना करेंगे, और इसमें एक वाशर दे करके फिर आपको चला के दिखाते हैं, क्योंकि इसका कॉइल बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस इस बूस को पूरी तरह से साफ़ करना है, जितना भी गंदगी है इसमें सभी को निकालना है तेल के साथ। इस तरह से आप लुब्रिकेंट दे करके निकाल सकते हैं, और इसमें हम काफ़ी मात्रा में तेल भर देंगे और आगे का बूस में भी, और पुनः इसको चेक करेंगे, सिर्फ एक वाशर देंगे। और इसको चला करके अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। तो चलिए इसमें तो पहले थोड़ा सा तेल दे करके सफाई करेंगे। हाँ बस करो, अब देखिए इसके अंदर हम तेल डाले हैं, अब कपड़ा डाल करके साफ़ करेंगे आगे भी पीछे। जैसे कि साथियों देख रहे हैं कि पंखे को पूरे हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अब बॉडी के अंदर इसको कस रहे हैं जाली लगाने के बाद। फिर मैं आपको चला करके दिखाऊंगा कि बिना बूस बदले ही हमने इसको खोले थे, तो इसमें दोस्तों पीतल का बूस आता है, वो जल्दी नहीं ख़राब होता है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर एक सोल्डिंग लीक है इसको भी मैं कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं चला के दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों यही पंखा है, अभी चल रहा है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। और मैं इसको भी बंद करता हूं आप लोगों को दिखलाने के लिए कि हकीकत में ये बंद होने के बाद प्ले होता है या नहीं, इसको पूरा रुकने के लिए दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टॉप हो चुका है। अब देखिए इसका मैं पीछे से बटन चालू करता हूं, और देखिए ये प्ले हो गया। और ये काफ़ी शानदार हवा दे रहा है। अब देखिए मैं इसका नेक्स्ट चैनल भी बदल रहा हूँ। देखिए हवा कितना अच्छा दे रहा है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएं।